हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। और इसके लिए हमने बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में बैंगन को कीड़ा लगने का डर लगा रहता है, इसीलिए हमने इसको बारीक बारीक कर काट लिया है। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं फ्रेंड्स, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 कड़छी इसमें मस्टर्ड ऑयल। अब हम तेल में ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज का कलर जो है अभी हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट को 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी। इसी के साथ हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बैंगन। बैंगन में मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे। भरते को बीच बीच में हिलाते रहें। भरते को अभी 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी अच्छी तरह से पका नहीं है, इसलिए हम 2-3 मिनट और लेंगे। भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। भरता तो हमने बना लिया है एक नए तरीके से। अब हम आपको एक नया ट्रिक बताएंगे। बैंगन के भरते में एक ट्रेडिशनल टेस्ट देने के लिए हमें लेना होगा एक कोयला। कोयले को गैस पे रख लें और अच्छे तरीके से लाल कर लें। अब कोयला हमारा अच्छे तरीके से लाल हो चुका है। बैंगन के भरते के बीचों बीच हम एक कोली रखेंगे। इस कटोरी में अब गर्म कोयला डाल देंगे और इसमें 2-3 बूंद जो है सरसों के तेल के डाल देंगे। अब हम इसे ढक कर रख देंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से जो रखी हुई कटोरी है उसको निकाल देंगे। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू जो है इसमें से आ रही है। धनिया डाल के दोस्तों सब्जी को सर्व कर दें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।